जमीन पर मिलने वाला खाना खा खा के थक चुके हो, तो चलिए आज आपको दिखाता हूँ हर तरह का समुद्री खाना। जी आज हमारे पास ऑक्टोपस, पॉम्फ्रेट, प्रॉन, क्रैब जैसा हर तरह का खाना आने वाला है, तो चलिए उसे साथ में देखते हैं और खाने की कोशिश भी करते हैं। बस तो बहुत हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो पहला आइटम हमारे पास आया है बटर टॉस्ट प्रॉन्स। यार ये तो अच्छे लग रहे हैं भाई। मैं तो सी फूड के नाम से कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग चीजें एक्सपेक्ट करके बैठा था कि मतलब वाहियात वाहियात दिखने वाले क्रिएचर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वीडियो बची है थोड़ी। अच्छा है क्या? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मतलब बने रहो वीडियो में। और आपको अगर सी फूड पसंद है और सबसे ज्यादा क्या पसंद है कमेंट करके बताना। और कैलोरीज बहुत ही कम होती है, इसलिए जब कोई भी वेट लॉस में जाता है तो उसको सी फूड बिल्कुल रेकमेंड किया जाता है अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है तो। ये है प्रॉन्स, मतलब एक कुछ टाइम पहले ये समुंदर में था और अब ये मेरे पेट में जाएगा। फिर समुंदर में जाएगा? क्यों? अच्छा सोशल मीडिया पे गंदी बात नहीं करने का। इसका पिंक कलर इसलिए है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो खाते हैं वो भी पिंक कलर के होते हैं। मतलब क्या क्यों खाते हैं हम ये उल्टी सीधी चीजें यार? मेरा तो धंधा है लेकिन आप क्यों खाते हो? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। तो ये इतनी सी क्वांटिटी आई बिलीव 100 ग्राम्स होगा और ये 350 रुपए का। मतलब सी फूड बहुत कॉस्टली है और जिस जगह से लाए हैं वहां से तो और ज्यादा कॉस्टली लग रहा है। चलो टेस्ट करते हैं, लग तो डिलीशियस लाया। देख देसी है यार, लव्ड इट, अच्छा लगा। प्रॉन्स इससे पहले मैंने खाए हैं, प्रॉन्स में मुझे इतना कोई दिक्कत होती नहीं है। मुझे दिक्कत परेशानी जो है वो आगे आने वाली चीजों से है। इसका टेस्ट तो बढ़िया था। बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। तो गाइस अगला आइटम जो हम आपके पास लेकर आए हैं उसका नाम है लॉबस्टर, जो यूएसए में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। और आज तक का सबसे बड़ा लॉबस्टर जो आज तक पकड़ा गया है वो था 20 किलो का। पूछा किसी ने नहीं पूछा है ये लॉबस्टर है। लॉबस्टर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था लॉबस्टर की कोई बड़ी सी डिश आएगी। कितने की आती है? 650 रुपीज। समझो आपका 6,500 का। 6,500 का एक लॉबस्टर आता है। चलो टेस्ट कर लेते हैं लॉबस्टर कैसा है। नॉट बैड यार, नॉट बैड। मुझे लगा था मैं सी फूड खा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं खाया जा रहा है यार मुझसे। आफ्टर टेस्ट लेकिन इनका इतना गंदा है ना, वो स्मेलीनेस और एक डर्ट वाला टेस्ट आता है वो मतलब झेला नहीं जाता। लेकिन सी फूड किस किस की पसंद है आप में से कमेंट करके बता रहा हूँ। और हम बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। तो गाइज अगला आइटम जो हम आपके पास लेकर आए हैं वो है केकड़ा। गाइज ये भी सी फूड की कैटेगरी में काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। एशिया की तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश आप मान सकते हो कि केकड़ा ही है। और ये जो हम केकड़ा लेकर आए हैं किसी नाले वाले से नहीं पकड़ा गया भाई, अच्छे से सी से ही इसको पकड़ा हुआ है। और भाई प्रॉपर तरीके से ही इसको कुक करके, इसकी सफाई करके, इसको प्रिपेयर करा और हमारे पास हमारी प्लेट में पहुंचाया है। ये क्या, ये ग्रेवी है? ओहो 650 का, बड़ा महंगा यार सी फूड तो। किस किसने पहले क्रैब खाया मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना उनको कैसा लगता है। चलो टेस्ट करते हैं क्रैब फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो मेरे हिसाब से डिश ना वैसे सोचने में या देखने में बड़ी डिस्गस्टिंग है, लेकिन क्रैब राइस की फॉर्म में विद ग्रेवी एंड चावल, तो इस हिसाब से मेरे को काफी काफी टेस्टी लग रही है। अभी तक मैंने और जो चीजें खाई वो तो फिर भी मुझसे नहीं खाई गई, लेकिन ये मैं खा पा रहा। बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। तो गाइस अगला आइटम जो हम आपके पास लेकर आए हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सी फूड जिसका नाम है फिश। और ये है पॉम्फ्रेट फिश। और भाई आपकी कौन सी स्टाइल के फिश सबसे ज्यादा आपको पसंद है वो आप कमेंट करके बताओ। आपने मूवीज वगैरह में ऐसी चीज जरूर देखी होगी पॉम्फ्रेट मच्छी के नाम से या फिर बटर फिश के नाम से इसको जाना जाता है। ये नीमो है, नीमो पापियों नीमो को उठा ले तुम, इसकी आंख तो नहीं है ना भाई, वो बड़ा डिस्गस्टिंग लगती है मेरे को देखने में। लेकिन ये बात है सी फूड एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और जो भी अगर मसल बिल्डिंग में कर रहा है ना तो उसके लिए चिकन से भी ज्यादा हेल्दी सोर्स ये रहता है। और ये कम स्टिंकी भी होती है। ओ भाई क्या है ये, क्या गिरा? आँख है? पापियों क्या करवा रहे हो मुझसे? दिख रहा है अपा? दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो टेस्ट करते हैं, लग तो डिलीशियस लाया। देख पता चल जाना चाहिए आपको कांटे और जीभ में। देख यार बढ़िया बना रखा है भाई ये सी फूड। तुम जहां से भी लाया ना उनको A1 रेटिंग आप जरूर दे देना। जितना भी ये डिस्गस्टिंग लगे देखने में, आंखें वाखे निकले जो भी हो, लेकिन टेस्ट के मामले में कोई भी कमी नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू ट्राई और हेल्दी भी है तो जरूर ट्राई करना बनता है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी और सबसे खतरनाक आइटम की तरफ। तो भाई ऑक्टोपस लाया जाए। तो अगला आइटम आपको दिखाने वाले हैं ऑक्टोपस। ये भाई जापान और कोरिया में बहुत पॉपुलर डिश है, वियर्ड है
और ओ हो भाई दिस इज स्कैरी। मैंने तो देखा मैन वर्सेस वाइल्ड या बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो में वो लोग तो जिंदा जिंदा ऑक्टोपस भी खा लेते हैं। ये देखिए गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा ऑक्टोपस पकने के बाद। ओ हो ये टेंटिकल्स हैं उसके। तो ये है हमारा आज के दिन का आखिरी सी फूड 1400 रुपीज का ऑक्टोपस। ब्लैक ब्लैक नहीं खाना। ओ भाई इसकी चमड़ी देख रहे हो कितनी स्ट्रेच हो रही है यार, फट भी नहीं रही है आसानी से, स्ट्रेंथ देख रहा है। ओ भाई और ये पकने के बाद ये हालत है। चलो लेट्स ट्राई। बदबूदार च्युइंगम जैसा टेस्ट है इसका। च्युइंगम में जो मीठा मीठा फ्लेवर आता है ना, इसमें तो वो भी इतना डिस्गस्टिंग आ रहा है और वही रबड़ रबड़ रबरीनेस है इसके अंदर। ये अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं तो इसको आई गेस दोबारा ट्राई नहीं करना चाहूंगा। बाकी आपको, आपने कौन सा सी फूड ट्राई करा और आपको पसंद आया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइज, बाय बाय। कुत्तों को खिलाते हैं ऑक्टोपस, खाएंगे कुत्ते भी नहीं खाएंगे।